राजस्थान की मिट्टी को वीर योद्धाओं को पैदा करने वाली धरती कहा जाता है। इस धरती पर कई शूरवीरों ने जन्म लिया तो कवि, शायर और गीतकारों ने भी। इस मिट्टी की ही करामात है कि जब भी कोई नाम कमाने निकला तो वो शख्स हीरा बनकर देश दुनिया में चमका। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था। वैसे तो हसरत साहब को दुनिया छोड़े करीब 22 बरस हो चुके हैं, लेकिन वो अपने लिखे एक से बढ़कर एक नगमों की बदौलत आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर आपका चेहरा माशाल्लाह जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह आपकी बातें वल्ला वल्ला इतनी मोहब्बत हसरत साहब का कच्ची उम्र में इश्क करके शायर बन जाने से लेकर बस कंडक्टर बनने, मिट्टी के खिलौने बेचने, फैक्ट्री में मजदूरी करने और बॉलीवुड तक पहुंचने का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा है। तो चलिए आज के इस गीतकार स्पेशल वीडियो में जानते हैं हसरत साहब को थोड़ा और करीब से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मटेनमेंट और मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। हसरत जयपुरी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने गानों में रात को औरत बना देते थे और फिर उस पर सितारे भी लपेट देते थे। हिंदी फिल्मों में टाइटल सॉन्ग लिखना काफ़ी कठिन काम माना जाता है, पर हसरत साहब फिल्मों के टाइटल सॉन्ग लिखने में मास्टर माने जाते थे। उन्होंने इस मुश्किल काम को इस अंदाज में अंजाम दिया कि फिर तो एक धारणा सी बन गई थी कि हसरत साहब जिस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखेंगे उसका हिट होना तय है। उस दौर में फिल्मों में शीर्षक पर आधारित गाना शामिल करने का चलन सा था और हसरत टाइटल सॉन्ग लिखने में माहिर थे। उनके लिखे शीर्षक गीतों की एक वानगी देखिए, रात और दिन का, रात और दिन दिया जले, गुमनाम का, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, मेरे हुजूर का, कोई रुख से ज़रा नकाब उठाओ मेरे हुजूर, अराउंड द वर्ल्ड का, दुनिया की सैर कर लो इंसान के दोस्त बनकर अराउंड द वर्ल्ड, एन इवनिंग इन पेरिस का, एन इवनिंग इन पेरिस, झुक गया आसमान का, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, दीवाना का, दीवाना मुझको लोग कहें, तेरे घर के सामने का, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दो जासूस का, दो जासूस करें महसूस ये दुनिया बड़ी ख़राब है। उनके ऐसे गीतों का लंबा सिलसिला रहा है जिन्हें उन्होंने लिखे और ये गाने दशकों बीत जाने के बाद भी उतने ही ताज़े और दिल को सुकून देने वाले महसूस होते हैं। के मैं तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। बात करें हसरत साहब के शुरुआती जीवन की तो हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनका असल नाम इकबाल हुसैन था, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली हसरत जयपुरी के नाम से। उनकी शुरुआती शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से जयपुर में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने नाना से उर्दू और पर्शियन की तालीम ली। हसरत को शायरी विरासत में मिली थी। उनके नाना फिदा हुसैन अपने ज़माने के मशहूर शायरों में से एक थे। हसरत जवान होने से पहले ही शायरी करने लग गए थे। 17 साल की उम्र आते ही वो शेरो शायरी करने लगे। इस बाली उम्र में उन्होंने जो अपना पहला शेर लिखा वो था, किस अदा से वो जान लेते हैं मरने वाले भी मान लेते हैं। इस शेर ने ही जैसे उनके मुस्तकबिल की कहानी लिख दी थी। लेकिन उन्हें ये पता था कि शायरी से पेट पालना आसान नहीं है, इसीलिए मात्र 18 साल की उम्र में वो रोज़गार की तलाश में मुंबई जा पहुँचे। कुछ दिन एक कपड़ा मिल में काम किया, कुछ समय के लिए खिलौनों की फैक्ट्री में भी काम किया, ऐसे कुछ और छोटे मोटे धंधे किए और आखिरकार एक बस कंडक्टर की नौकरी कर ली, जहां उन्हें मासिक वेतन के रूप में 11 रुपए मिलते थे। हसरत जयपुरी शायरी तो करते ही थे, इसलिए वो मुशायरों में भी शामिल होने लगे। बहुत सरल भाषा में शायरी करने वाले हसरत को एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने सुन लिया। इसके बाद उन्होंने हसरत को बुलाया। राज कपूर अपने निर्देशन में बन रही फिल्म बरसात के लिए उस दौरान गीतकार की तलाश कर रहे थे। तभी पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को हसरत से मिलवाया।
राज कपूर को उनकी शायरी पसंद आई और इसी फिल्म के लिए हसरत साहब ने अपना पहला गाना लिखा, जिया बेकरार है छाई बहार है। हसरत साहब की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि जो शब्द कहीं अस्तित्व भी नहीं रखते थे उन्हें भी वो गीतों में पिरोकर उनमें मिठास घोल देते थे। आज भी क्या हम में से कोई रमैया वस्तावैया या फिर शाहे खुबा या जाने जनाना का सही मतलब बता सकता है? शायद नहीं, पर हसरत के गीतों में ऐसा लगता है मानो ये शब्द सार्थक और सजीव हैं। उन्हीं में से एक गीत है रमैया वस्तावैया, यह गाना बड़ा हिट साबित हुआ था। हसरत साहब के लिखे गाने रोमानियत की नई परिभाषा गढ़ते थे। इस बारे में हसरत साहब ने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि लड़कपन के जिस दौर में प्यार का परिंदा उड़ान भरता है, उस उम्र में हसरत को भी अपने पड़ोस की एक लड़की राधा से प्यार हो गया था। शायरी करने लगे थे, हसरत को प्यार हुआ तो उन्होंने प्रेम पत्र भी लिखा और उस पत्र की शुरुआत इस तरह की, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। पर मजहब की दीवार आड़े आ गई और इस पत्र को वो कभी उस लड़की को नहीं दे पाए। बाद में राज कपूर ने एक बार वो पत्र पढ़ लिया तो राज कपूर के कहने पर इन्हीं लाइनों के आधार पर हसरत ने गाने को पूरा किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। इतना ही नहीं, एक बार फिर उन्होंने अपने पहले प्यार को याद करते हुए गाना लिखा, तेरे मन की गंगा और मेरे मन के जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। दोनों ही गाने शंकर जयकिशन की धुन से सराबोर होकर फिल्म संगम के बेहद लोकप्रिय गाने बने। अपने 40 साल के फिल्मी करियर में हसरत ने 350 फिल्मों के लिए करीब 2000 गाने लिखे। इस दौरान पुरस्कार और सम्मान फूलों की तरह हसरत की झोली में गिरते रहे। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी भी मिली। पहली बार फिल्म सूरज के गाने बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए और फिर फिल्म अंदाज के गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुकेश के लिए तो हसरत ने कई कालजयी गीत रच डाले, जैसे छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे, आंसू भरी है ये जीवन की राहें और कोई उनसे कह दे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और जाने कहाँ गए वो दिन। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे। आज हसरत साहब को एक फिल्मी गीतकार के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने गैर फिल्मी शायरी भी की और किताबें भी लिखी जो उनकी फिल्मी शोहरत के आगे कहीं ना कहीं धुंधली सी पड़ गई। हसरत जयपुरी साहब अपने टीम के साथ ही शैलेंद्र और जय किशन की मौत के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। शैलेंद्र के साथ हसरत ने 1971 तक राज कपूर की सभी फिल्मों के लिए गाने लिखे। जय किशन की मौत और मेरा नाम जोकर तथा कल आज और कल की असफलताओं के बाद राज कपूर ने अन्य गीतकारों और संगीतकारों की ओर रुख कर लिया। हालांकि राज कपूर शुरू में उन्हें प्रेम रोग के लिए वापस लाना चाहते थे पर ऐसा हो ना सका, लेकिन राज कपूर ने आखिरकार उन्हें फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गीत लिखने के लिए कहा। भले ही फिल्म राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग हसरत ने न लिखा हो, लेकिन पर उन्होंने सुन साहिबा सुन के जरिए फिर से धूम मचाई। बाद में राज कपूर ने हसरत से हिना के लिए 3 गाने लिखने के लिए आमंत्रित किया। हसरत ने आरोप लगाया कि राज कपूर की मौत के बाद संगीतकार रविंद्र जैन ने उनके गानों को हटाने और उन्हें अपने स्वयं के गानों के साथ बदलने की साजिश भी रची। राज कपूर के निधन के बाद तो उनकी हालत बिना परों के परिंदे के समान हो गई। 17 सितंबर 1999 को अपनी मौत से पहले हसरत साहब ने कई साल तक गुमनामी में जीवन बिताया। रूप में उनकी आखिरी फिल्म हत्या द मर्डर थी जो साल 2004 में रिलीज हुई थी, लेकिन हसरत साहब का गाना हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। उनका लिखा गाना तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, मेरे संग तुम भी गुनगुनाओगे, बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि हसरत साहब पर आधारित ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।